नमस्कार। सो 2022 MBBS एडमिशन सीजन स्टार्ट हो रहा है और मैं किसी काम से बाहर निकला था तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से आदेश मेडिकल कॉलेज का राउंड लगाता हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं समय कॉलेज के बीच में खड़ा हूँ। इसे ह्यूज कैंपस जिसे कहते हैं ना कि अगर और तभी हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजों में आदेश नंबर वन पे आता है बिना किसी डाउट के। क्योंकि ये भी 2017 में ही स्टार्ट हुआ था, बहुत पुराना कॉलेज नहीं है। और मैं बीच में खड़ा हूँ तो मेरे पीछे आपको बहुत बड़ा पार्क नज़र आ रहा है, उसके पीछे वो कॉलेज की बिल्डिंग है जो आपको मेडिकल कॉलेज लिखा आ रहा है। तो उससे ग्रोथ एकेडमी ब्लॉक लेफ्ट में वो हॉस्पिटल है। थोड़ा सा घूमेंगे तो पेड़ों के पीछे आपको नज़र आएगा, वो बड़ा सा हॉस्पिटल है। और मेन गेट को देखेंगे तो आप देखेंगे कितना दूर है मेन गेट। तो इतना दूर जो मेन गेट है जहाँ से मैंने एंट्री करी थी कॉलेज में आने के लिए। और फिर से अगर देखिएगा तो मैंने बोला कि मेरे पीछे पार्क है, कॉलेज है, पीछे की तरफ उस तरफ हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ गर्ल्स बिल्कुल सेपरेट हॉस्टल्स हैं, सेपरेट बिल्डिंग है। तो काफ़ी मतलब अच्छा इंतज़ाम है, कॉलेज तभी नंबर वन चल रहा है हरियाणा के प्राइवेट में। और सिर्फ हरियाणा प्राइवेट नहीं, मैं कहूँगा पूरे नॉर्थ इंडिया में। देखिए समस्या क्या है स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब क्लोज स्टेट है, पंजाब के बच्चे के अलावा पंजाब में एडमिशन आप ले नहीं सकते। प्लस चूँकि वो सब्सिडाइज स्टेट भी है, 3.5 लाख रुपए साल की फीस और 9.5 लाख रुपए, तो उसी कट ऑफ भी ऊपर ही जाती है। 550 के नीचे पंजाब में MBBS में एडमिशन ही नहीं मिलता है जनरल कैटेगरी पे। तो अगर आपके 450 नंबर हैं, 450 नंबर और नॉर्थ इंडियन हो तो आप तो गए ना। तो आपके पास सरकारी कॉलेज है, पंजाब 0, जम्मू कश्मीर 0, हिमाचल में एक ही कॉलेज है MMU सोलन, वो मिल जाएगा आपको 450 में, लेकिन 95 लाख का पैकेज आता है। उत्तराखंड सेम 95 लाख के पैकेज आते हैं। तो बसता ही हमारे पास हरियाणा और यूपी है, दिल्ली में भी कोई नहीं है, राजस्थान भी क्लोज स्टेट है, करेक्ट, फिर हम मध्य प्रदेश भी क्लोज स्टेट है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। तो अपने पास तो बचा ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश रीजनेबल फीस में। इसके अलावा फिर बिहार की तरफ जाना पड़ेगा, बंगाल की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर हम साउथ में जाएं, राइट, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका। तो ये समस्या है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए अगर मैं यूपी प्लस हरियाणा को काउंट करूं और 30 कॉलेज यूपी के और 5 हरियाणा के, तो 35 में से डेफिनेटली आदेश हरियाणा में तो नंबर वन में आएगा ही। और देखिए मैं MMU मुलाना अम्बाला नहीं गिन रहा, क्योंकि वो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और सिमिलरली हम नहीं गिन रहे हैं जामिया हमदर्द या संतोष, जो भी डीम्ड को छोड़ के। तो 35 में से आप इसको डेफिनेटली टॉप 10 में रख सकते हो। तो हाँ ठीक है, शारदा लें या सुभारती ले लें, शिरा मूर्ति यूपी का लें या आदेश ये वाला लें, KD हो गया, मुजफ्फरनगर मेडिकल हो गया, इनमें रोहिला खंड, इनमें कंपटीशन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली टॉप 10 में है। सिर्फ हरियाणा देख रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर वन है हमेशा। भाई जैसा हम जानते हैं कि 15% सीटें हरियाणा में NRI सीट्स हैं, तो ये फ़ायदा है जो यूपी में नहीं है। सो जिन्हीं बच्चों का NRI के डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पर सारे NRI लागू होते हैं, तो अगर आप जेन्युइन NRI हैं या आपके चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, बुआ में से कोई एक NRI है, तो भी आप NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आ जाते हो, जो 5th प्रायोरिटी होती है, पर सीट मिल जाती है। प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3, 4 तो आपको पता है खुद, आप NRI हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इंडिया में कहीं और NRI हैं, तो उस तरह से वो जो क्राइटेरिया चलता है ना, जो 5 क्राइटेरिया NRI के, तो आप NRI स्पॉन्सर्ड जो नंबर 5 क्राइटेरिया होता है, बट जो आज तक का ट्रेंड रहा है, आदेश की सीट भी आपको मिल जाएगी NRI की अगर आपके पास NRI के पेपर्स हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जो 5th क्राइटेरिया है ये ओपन है पूरी हिंदुस्तान के लिए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। तो अगर आप राजस्थान डोमिसाइल के हैं और आपके पास एडमिशन नहीं मिल रहा है, नंबर कम है आपके, तो आप आदेश में भी पढ़ सकते हैं। $110,000 NRI की फीस है, जो 80 रुपये के हिसाब से भी 90 लाख रुपये बनती है, हॉस्टल वगैरह मिला के भाई 1 crore का पैकेज बन जाएगा। तो विच इज़ स्टिल चीपर देन मैनी ऑफ द राजस्थान कॉलेजेस और मैनी ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो वही मैंने कहा कि अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं और NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट आप बन सकते हैं, तो भी आदेश आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। और NRI की सीटें थर्ड राउंड में के बाद कन्वर्ट होती है मैनेजमेंट में, जैसे कि हम जानते ही हैं। लास्ट ईयर रूल चेंज हो गया था, लास्ट ईयर में राउंड 3 के दौरान कन्वर्ट होने लग गई थी, फिर भी सीटें बच गई थी राउंड 4 के लिए आदेश में, और उसकी फिर काउंसलिंग होती है जैसे कि हम जानते हैं, जिसे हम स्ट्रीम अप राउंड कहते हैं। तो आदेश में एडमिशन आपको लेना है, किसी भी और कॉलेज में एडमिशन आपको लेना है इंडिया में, 9603362320 हमारा नंबर आप सभी जानते ही हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, कॉल कीजिए हमें, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट और ड्रीम कॉलेज मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।